खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त का मामला, मामले में एसओजी का एक्शन अब सामने आया है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने देर रात छापा मारा है। एसओजी के इनपुट के बाद में नाकाबंदी हुई। बनी पार्क में कई होटल्स में एसओजी ने छापा मारा। इस छापे के दौरान एसओजी की टीम ने कई लोगों से पूछताछ भी की। एसओजी और पुलिस फिलहाल अलर्ट मोड पर पूरी तरीके से है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, बड़ा एक प्लान था ये एसओजी का, जिसके तहत ही पूरी कार्रवाई हुई और पिछले कई दिनों से इसकी सूचनाएं भी मिल रही थी, क्या पूरी प्रक्रिया रही? देखिए जैसी, ये कोई प्लान नहीं था, क्योंकि जब भी किसी एक स्पेशल एजेंसी को जांच के लिए जब कोई घटनाक्रम को लेकर के जांच दी जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं उस पर जो वो संबंधित जो जांच एजेंसी है उस पर जांच पड़ताल करती है और उसके लिए पूछताछ करती है। और यही कुछ हुआ आज राजधानी जयपुर शहर के अंदर, क्योंकि लगातार जब ये मामला सामने आया था विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त का पूरा जो मामला था उसको लेकर के, जब मुख्य सचेतक है, जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी एटीएस एसओजी को, उसके बाद एटीएस एसओजी है उसने शिकायत के बाद तुरंत कमर कसते हुए और राजधानी जयपुर शहर के अंदर और इसके अलावा राजस्थान के अन्य जिलों में जहां ऐसी सूचना आ रही थी वहां पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया और इसके साथ में विशेष नाकाबंदी की। और यही नाकाबंदी राजधानी जयपुर शहर के जो बनी पार्क के इलाका पड़ता है पानी बीच, वहां पर वो नाकाबंदी देखी गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो एसओजी की टीम के जो जवान थे, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो अफसर थे, वो तमाम जो लोग थे इस विशेष चेकिंग अभियान में और नाकाबंदी में मौजूद रहे। रात करीब 11 बजे से लेकर के और करीब 1 और 2 के बीच में ये पूरा जो ऑपरेशन था वो लगातार चल रहा था। इस दौरान एसओजी को सूचना मिली थी कि कुछ होटल्स में कुछ युवक जो है जो ठहरे हुए हैं, इसके अलावा कुछ अपार्टमेंट्स में भी कुछ लोगों के रहने की सूचना जानकारी सामने आई। इसके बाद एसओजी की टीम ने लगातार वहां पर रेड डाली इस चेकिंग अभियान के दौरान और जिन होटलों में यहां पर दबिश दी गई एसओजी की ओर से वहां पर कुछ लोग पाए गए, मगर जो हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ा जो मामला था उसमें कहीं ना कहीं उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आई। इसके अलावा जिन अपार्टमेंट्स में जो संदिग्ध सूचना आ रही थी कुछ लोगों के रुकने की, उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की, तो ऐसा जो मामला था वो पूरी तरीके से झूठा पाया गया था। मगर जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं एसओजी पूरे अलर्ट के मोड में है और लगातार एक्शन उसका जारी है। ये जयपुर में ही जैसे ये पूरा जो ऑपरेशन था ये यहाँ यही नहीं चला है, राजस्थान है, राजस्थान के अलावा अलग जो राज्य है वहां पर भी चला है। अभी जो प्रारंभिक जो हमारे अधिकारियों से पूछताछ हुई उसमें बात सामने आई है कि यूपी के शाजापुर के अंदर भी ये बात सामने आई है और वहां पर भी जब ऐसा मामला सामने आया तो एसओजी ने वहां पर विशेष चेकिंग अभियान और छापा मारा और चेकिंग और इसके अलावा नाकाबंदी की। इसके अलावा शाहपुरा और उदयपुर में भी लगातार 3 दिन से है जो एसओजी की टीम है वो लगातार नाकाबंदी कर रही है और विशेष जो सघन चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। मगर अभी तक इस जांच पड़ताल के दौरान एसओजी को अभी तक कोई भी ऐसे अहम सुराग नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके कि विधायकों को यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है और खरीद फरोख्त की जा रही है। बिल्कुल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।